काशी में मुगल शासक औरंगजेब के कलंकता की फहरिस्त काफी लंबी है। उसने न सिर्फ काशी विश्वनाथ मंदिर को ही तोड़वाया बल्कि उसके निशाने पर कई और भी मंदिर थे और उन्हीं मंदिरों में से एक है बिंदु माधव मंदिर, जिसके स्थान पर अब यहाँ पर धरहरा मस्जिद बना दी गई है। ज्ञानवापी विवाद के बाद अब धरहरा पर भी हिंदू पक्ष हैं, वो अब अपना दावा कर रहे हैं। उनके मुताबिक यहाँ पर धरहरा मस्जिद नहीं बल्कि यहाँ पर बिंदु माधव मंदिर है, लिहाजा अब उन्हें भी यहाँ पर दर्शन पूजन की इजाज़त दी जाए। और इसी को लेकर हिंदू पक्ष ने सिविल कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका को कोर्ट ने बाकायदे स्वीकार भी कर लिया है और अब उस पर 4 तारीख की सुनवाई भी होगी। दरअसल इस बताया ये जाता है कि 1669 के आसपास जब औरंगजेब बनारस आया था तो उसने न सिर्फ काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़वाया था बल्कि इस बिंदु माधव मंदिर को भी तोड़वाया था और उसकी जगह पर यहाँ पर धरहरा मस्जिद का निर्माण कराया था। कहा यह भी जाता है कि यहाँ पर बिंदु माधव को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है और यहाँ पर जो वेद पाठी जो शिक्षा के जो छात्र होते हैं वो बहुत संख्या में रहते थे, लिहाजा संस्कृत की शिक्षा को लेने के लिए यहाँ पर जो छात्र हैं वो आते थे और उन्हीं में से एक था दारा शिकोह का भाई, औरंगजेब का भाई दारा शिकोह। लेकिन ये बात शायद औरंगजेब को नागवार गुजरी और उसने इस बिंदु माधव मंदिर को तोड़वाने का आदेश दिया था। लेकिन अब जो हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि चूंकि ये मस्जिद भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के अधीन आता है, लिहाजा ऐसे में अगर यहाँ पर नमाज अदा की जाती है तो उन्हें भी दर्शन पूजन की इजाज़त दी जाए। ये बताइए कि धरहरा मस्जिद को लेकर आप लोगों ने एक याचिका दाखिल की है, क्या इसके पीछे तर्क है और क्या आप लोगों को लगता है कि ये वाकई ये मस्जिद नहीं मंदिर है? देखिए, ये पंचगंगा घाट पे एक बेनी माधव का मंदिर था जो कि विष्णु के अवतार थे। वो मंदिर, उस मंदिर का उल्लेख कई बुक में, वाराणसी वैभव किताब में, काशीखंड के इतिहास में और भी दी बनारस गजेटियर कई बुक्स में उसका उल्लेख मिलता है कि वहाँ मंदिर ही था। तो वहाँ जब मंदिर है तो फिर वहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग जो नमाज अदा करने लगे, इसी के विरोध में हमने जो है पिटीशन फाइल किया है। पिटीशन में और किन किन चीज़ों का आप लोगों ने उल्लेख किया है, अदालत से क्या मांग की है, अदालत से क्या अपील की है? अदालत से हमने ये अपील की, जब उसको ASI आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट उसको राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया है, जब राष्ट्रीय धरोहर वो घोषित है तो उसमें ये नमाज फिर किसी संप्रदाय कई इफ्तार पार्टी क्यों हो रही है? राष्ट्रीय धरोहर में ऐसा कुछ करने के लिए प्रतिषेध किया गया है। कोई एविडेंस आपने अभी तक अपनी इस पक्ष में रखा है और कब इसकी अगली सुनवाई है? एविडेंस के रूप में ASI की रिपोर्ट है, कई किताबों में इसका उल्लेख है। अभी तो फिलहाल इतना ही एविडेंस है और भी कई एविडेंस कलेक्ट हैं, वो भी कोर्ट में पेश किए जाएंगे। कोर्ट ने आपकी याचिका को स्वीकार कर ली है और कब इसकी डेट लगी है अगली तारीख? कोर्ट ने याचिका हमारी एक्सेप्ट कर ली है और 4 जुलाई की अगली डेट है। श्रीपति भाई, ये बताइए कि क्या कन्फ्यूजन है धरहरा मस्जिद को लेकर? अभी हमने ज्ञानवापी मस्जिद को देखा, आप धरहरा मस्जिद को लेकर आप लोगों ने याचिका लगी, क्या है इस याचिका? देखिए, मैं पहली बात आपको कहूँ कि ज्ञानवापी मस्जिद मत कहिए, ज्ञानवापी मंदिर है, मस्जिद नहीं है। चूंकि उसका मामला पूरे देश में चल रहा है, पूरे देश की आप ही जैसे मीडिया लोग दिखा रहे हैं, और माधव राव का धरहरा है, बिंदु माधव का मंदिर है, धरहरा मस्जिद नहीं है, वो बिंदु माधव का मस्जिद नहीं है। और चूंकि हिंदू सनातन धर्म में आस्था रखने वाले लोगों की आस्था को ठेस पहुंचा है, वहां जाने नहीं दिया जाता है। जब वहां वो राष्ट्रीय धरोहर है बिंदु माधव का मंदिर या धरहरा, तो वहां पर रोजा इफ्तार और नमाज अदा करने वाली क्या रस्म है? तो इसको लेकर के जब हिंदूवादी संगठन लोग वहां पर गए पूजा करने का प्रयास किया तो वहां रोक दिया गया, कहा कि आप यहां नहीं कर सकते हैं, तो जिसके लिए हम कोर्ट की शरण में गए हैं। ये बताइए कि ये क्या याचिका में आप लोगों ने क्या मांग की है और उसके पीछे की वजह क्या है, आपको क्या लगता है? देखिए भाई साहब, मुख्यतः जो वजह है कि कोई भी राष्ट्रीय धरोहर जितनी भी अपने भारत में है वो ASI के अंतर्गत आती हैं, तो उनके अंतर्गत आने वाली जितनी भी हैं, जैसे उसमें कुछ मुख्यतः कुतुब मीनार हो गई, ताजमहल हो गया, उसी पंक्ति में एक ये भी है। तो किसी भी राष्ट्रीय धरोहर को आप जो है कोई धार्मिक स्थान का आप स्थान नहीं दे सकते हैं, ठीक है, कि वहाँ पे आप नमाज पढ़ें, वहाँ पे रोजा इफ्तार पार्टी हो, तो ये सब किसके आदेश पे हो रहा है, क्यों हो रहा है, वहाँ सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग क्यों आ रहे हैं, उनको क्यों वहाँ रुकने दिया जा रहा है, इन्हीं से मुद्दों को लेके हमने याचिका दाखिल की है। देखिए, अगर साक्ष्यों की बात की जाए तो उसके नीचे 2 या 3 तहखाने हैं जिसमें ताला बंद है, तो निश्चित ही अगर उसकी जाँच होगी तो उसमें कुछ ना कुछ मिलेगा। दूसरा जो मैं सबसे जीवंत उदाहरण देना चाहता हूँ कि आप किसी भी मस्जिद की जो दीवार होती है उस पर आप गौमुख नहीं देख सकते हैं, तो उसके एक साइड में आप जाएंगे तो आपको वो गौमुख दिखेगा, जो सबसे बड़ा साक्ष्य है कि यहाँ पे जो हिंदी देवता का, जो विष्णु भगवान का अवतार थे, उनका मंदिर था।
देखिए, सबसे पहले तो हम लोग की ये मांग है कि तत्काल प्रभाव से वहाँ पे जो नमाज हो रही है, जो इफ्तार पार्टी हो रही है, उसको प्रतिबंधित किया जाए, वहाँ पे उनका आवागमन बंद हो। क्योंकि क्या पता अभी एक महीना कोर्ट बंद हो या कुछ साक्ष्य को मिटाने का प्रयास करें। दूसरा, वो हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम लोगों को भी वहाँ पूजा अर्चना की अनुमति दी जाए। क्योंकि वो हम लोगों को नहीं दी जा रही है, वो एक दूसरे धर्म विशेष को दी जा रही है। वो क्यों दी जा रही है, इसी का गहन अध्ययन हो और उसके रिपोर्ट सामने आए और वो तत्काल रूप से बंद हो, ये हम लोग की मांग है।